अभिषेक बच्चन ही नहीं इन एक्टर्स के साथ भी जुड़ा कश्मीरा कपूर का नाम, कभी सगाई तो कभी टूटी शादी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। करिश्मा कपूर भले ही अब फिल्मों में ना नजर आती हो, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब बॉलीवुड में उनका बोलबाला था। हालांकि फिल्मों से ज्यादा एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। हैप्पी बर्थडे करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती हो, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब बॉलीवुड में उनका बोलबाला था। हालांकि फिल्मों से ज्यादा एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। बॉलीवुड के कपूर खानदान के लाडली और फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर शनिवार को अपना 48वां जन्मदिन मना रही है। फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली करिश्मा 90 के दशक की बेहद खूबसूरत और सफल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। अपने करियर में करिश्मा कपूर ने राजा हिंदुस्तानी, राजा बाबू, दिल तो पागल है और बीवी नंबर 1 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। करिश्मा प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही है, फिर चाहे वो उनके अफेयर हो या फिर उनकी शादी और तलाक हो। आज हम आपको करिश्मा कपूर से जुड़ी कुछ ऐसे ही खास बातों के बारे में बताएंगे। बता दें कि सबसे पहले करिश्मा कपूर का नाम एक्टर अजय देवगन के साथ जुड़ा था। करिश्मा ने अजय के साथ साल 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ जोड़ी बनाई। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। इसी बीच अजय की लाइफ में एक्ट्रेस काजोल ने एंट्री की, जिसके साथ एक्टर ने आगे चलकर शादी भी कर ली। इसके बाद करिश्मा का नाम एक्टर अक्षय खन्ना के साथ जुड़ा। दोनों ने एक साथ मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट कराया था। इसके बाद से ही उनके अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया था। वही फिल्म बीट में छपी खबर के अनुसार रणधीर कपूर ने करिश्मा का रिश्ता अक्षय खन्ना के लिए भेजा था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता कपूर को ये रिश्ता नहीं पसंद आया। वह नहीं चाहती थी कि करिश्मा के करियर पर किसी भी तरह का रोक लगे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अक्षय खन्ना के बाद करिश्मा का नाम एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ भी जुड़ा। दोनों का रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि उन्होंने सगाई तक कर ली थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों परिवारों के बीच अनबन के चलते ये सगाई टूट गई। अभिषेक से रिश्ता खत्म होने के बाद करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ शादी कर ली। दोनों की शादी साल की चर्चित शादियों में से एक रही थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और तलाक तक नौबत आ गई। काफी समय अलग रहने के बाद करिश्मा और संजय ने साल 2016 में तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों को लेकर भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिर में बच्चों की कस्टडी करिश्मा को मिल गई। पति से अलग होने के बाद भी करिश्मा का नाम एक बिजनेसमैन से जुड़ा, लेकिन इन अफवाहों पर एक्ट्रेस ने मीडिया में कभी कोई बात नहीं की। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।